अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल दैनिक स्टडी इंस्ट्रूमेंट। हियर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मास्टर और बीएस इन इंग्लिश कैन सी खैर। अब टुडेज कोर्स इज फ्रांसिस बैकन सिलेक्टेड एसेज, एंड एसेज के स्टार्ट पे फ्रांसिस बैकन के बारे में जो लाइन्स लिखते हैं स्टार्टिंग लाइन्स गाइज, वो मैंने एक अलग वीडियो में बना के वीडियो यानी कि स्टार्टिंग लाइन्स लिख के वीडियो बना के अपलोड कर दी है। तो आप मेरे चैनल पे जाके स्टार्टिंग लाइंस ऑफ फ्रांसिस बैकन ऐसे के नाम से वीडियो है सर्च करके देख सकते हैं, और वो सारी लाइंस एक ऐसे में पुट कर सकते हैं, एक ऐसे नहीं हर ऐसे में वो एक लाइंस पुट कर सकते हैं। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैंने फ्यूचर में कुछ दिनों के लिए हॉलीडेज पे जाना है, तो ये ना हो कि आपको वीडियोस ना मिलें, तो इसलिए मैंने एक वीडियो सुबह और एक वीडियो शाम में अपलोड करने का डिसीजन लिया है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल पे अब दो टाइम वीडियो देखेंगे, तो क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि मैं तो चली जाऊँ और आपको वीडियोस नोट्स ही ना मिलें, तो इससे बेहतर है कि आपको नोट्स मिलते रहें। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, अगर ना अच्छी लगे तो अनलाइक भी नहीं कीजिएगा। और किसी और टॉपिक की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आज का ऐसे फ्रांसिस बैकन ऐसे ऑफ रिवेंज, रिवेंज इज़ द काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, जंगली इंसाफ की एक किस्म है, बदला जंगली इंसाफ की एक किस्म है। ऑफ रिवेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे ऑफ बैकन। ऑफ रिवेंज जो है, बदला जो ऐसे है, वो बैकन का एक अहम तरीन ऐसे है। इट डील्स विद अ वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट डैट ऑफ टेकिंग रिवेंज अपॉन एनिमीज फॉर सम इवल डैट डन टू अस। ये एक कुदरती जबलत होती है हमारे अंदर कि कोई हमारे साथ बुराई करे तो हम उससे बदला लेते हैं। बैकन इज़ नोन फॉर हिज प्रैक्टिकल अप्रोच टुवार्ड्स रिवेंज। बैकन अपनी अमली अप्रोच के यानी कि बदले की तरफ जो अमली उनका आइडिया है, अमली अप्रोच है, उसके उससे जाने जाते हैं। देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ आइडियलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म, और इसमें उनमें यहाँ मिक्सचर है आइडियलिज्म का और ख़ुद प्रस्ती का। ऐसे में आइडियलिज्म और ख़ुदपरस्ती का एक मिक्सचर है। ही न्यू हाउ ह्यूमन बींग्स बिहेव इन डे टू डे लाइफ। वो जानते हैं कि कैसे इंसान यानी कि ह्यूमन बींग्स दिन रोज़ बढ़ती हुई ज़िंदगी में कैसे सलूक करते हैं। अ मैन डैट स्टडीज रिवेंज कीप्स हिज ओन वॉन्ड्स क्लीन। एक आदमी जो बदला लेता है या बदला लेने की चाहत रखता है, वो हमेशा अपने जख्मों को सब्ज रखता है। देयरफॉर ऑन द वन हैंड ही डिक्लेयर्स डैट रिवेंज इज इग्नोरेबल एंड फॉरगिवनेस। ताहम वो एक तरफ कहते हैं कि रिवेंज जो है, जो बदला है, वो इग्नोरेबल है यानी कि ना काबले, और फॉरगिवनेस माफ़ी शुदा है। बट सोन ही एड्स डैट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेज रिवेंज इज अनटॉलरेबल। और साथ ही वो कहते हैं कि बदला ना काबले बर्दाश्त है। यहाँ गाइस अनटॉलरेबल आना है। विंडिक्टिव पर्सन्स लीव द लाइफ ऑफ विचेस। जो विंडिक्टिव आदमी होते हैं वो जादूगरनियों की ज़िंदगी में यानी कि ज़िंदगी गुजारते हैं, यानी कि जो बदला लेने की चाहत रखते हैं वो ऐसी लाइफ गुजारते हैं कि जादू के ज़रिए किसी को चोट पहुंचाई जाए। और अगर वो एक दफ़ा इन चीज़ों की तरफ हो जाते हैं तो फिर वो सारी ज़िंदगी इन्हीं की तरफ रहते हैं। बैकन इज़ नेवर स्वाइड बाय इमोशन। बैकन कभी भी अपने जज्बात के साथ बहकाए नहीं जाते। ही ऑलवेज कीप्स द बैलेंस ऑफ माइंड। वो हमेशा अपने जहन को मतवाजन रखते हैं। हिज आर्गूमेंट्स आर ऑलवेज फोर्सफुल एंड लॉजिकल। और उनके आर्गूमेंट्स हमेशा ताकतवर और मंतकी होते हैं। ही सेज मेक्स द रिवेंजर एंड द इवल डूअर इक्वल। वो कहते हैं कि बदला लेने वाला और बुराई करने वाला दोनों बराबर होते हैं। वाइज मैन डू नॉट वेस्ट देयर टाइम इन थिंकिंग ऑफ पास्ट। अक्लमंद लोग कभी भी अपने माजी के बारे में नहीं सोचते। दोज हु आलवेज थिंक इन टेकिंग रिवेंज कीप देयर वाउंड फ्रेश एंड सो दे आर ऑलवेज पेनफुल। और वो जो हमेशा बदला लेने के बारे में सोचते हैं, वो हमेशा अपने ज़ख्मों को ताज़ा रखते हैं और हमेशा ही दर्द में रहते हैं। सो रिवेंज शुड बी इग्नोर्ड। तो इसीलिए बदले को इग्नोर किया जाए, ना
यानी कि भूल जाना चाहिए, बदला लेना। इट इज़ द ग्लोरी ऑफ अ मैन टू पास बाय एन ऑफेंस, ये एक इंसान की ग्लोरी है, इंसान का बड़ापन है कि वो ऐसी चीज़ों को पास अवे कर दे, यानी कि ऐसी चीज़ों के बारे में ना सोचे। गाइस ये था आज का टॉपिक, फ्रांसिस बैकन एसे ऑफ रिवेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।